जो एक तरह का गिरोह है, गैंग है, जो ऑटो ड्राइवर को साथ में लेकर वहाँ पे यात्रियों को बैठाते हैं, सवारियाँ जो बाहर से आती हैं उनको बैठाते हैं और उनका बैग ब्लेड मार के बैग से सामान निकाल लेते हैं। इस तरह का इनका मोडस ऑपरेंडी रहता है और इस तरह की घटनाओं को ये लगभग एक साल से यहाँ पे बनारस में अंजाम दे रहे हैं। तो उसी क्रम में इन तीन लोगों को पकड़ा गया है क्राइम ब्रांच के द्वारा और सिगरा थाना की टीम के द्वारा। इसमें बरामद की में काफ़ी सामान बरामद हुआ है, जो सोने के चैन वगैरह हैं, बाली वगैरह हैं, उसके अलावा 73,000 रुपये कैश बरामद हुआ है। और सामान में रिटेल में सोने की दो अदद चैन हैं, दो जोड़ी झालाएँ, एक मंगलसूत्र, एक लॉकेट, एक जोड़ी कान की बाली है, तीन अदद अंगूठी है, 10 अदद सोने की छोटी गुड़ियाँ हैं। माल बरामद हुआ है लगभग 6 लाख का अमाउंट का माल बरामद हुआ। चोरी और लूटपाट की घटना को अंजाम देने के बाद बाहर भाग जाते हैं, कैसे ये पकड़े गए? चोरी करके ये जो माल सारा इकट्ठा होता था उसको ये बिजनौर में जाकर वहीं पे लोकल सुनार है जो इनसे मिला हुआ है वो उसको जाके सारा सामान बेचते थे। और जनरली ये घटना करने के बाद जब ज़्यादा माल इकट्ठा हो जाता था या कुछ इन पे डाउट हो जाता था लोगों को, तो वो उस जगह को छोड़ देते थे और चले जाते। इन सबसे पहले ऑटो ड्राइवर को पकड़ा गया, उसके माध्यम से इनकी डिटेल पता लगी, फिर इनके नंबर वगैरह डिटेल सारा ले लिया गया, मुखबिर लगा दिया गया और उनकी सूचना पे उनको कमलापति बॉयज इंटर कॉलेज के वहाँ से सूचना मिलने पर पकड़ा गया। बात की जाती है अपराधी के इतिहास क्या रहा है, अपराधी के इतिहास क्या है? अपराधी के इतिहास अभी निकाला जा रहा है, उसकी जानकारी की जा रही है, बिजनौर से भी वहाँ से बात करके सारा डिटेल पता किया जा रहा है। फिर बनारस में ही कर दिया और भी जिलों में? ये इन्होंने फिलहाल बनारस का ही डिटेल बताया है, बाकी और जगह भी इन्होंने किए हैं उनकी जानकारी की जा रही है।